एक सवाल लगातार आए जा रहा है और यहाँ जो सवाल उठ रहे हैं इसका कारण भी हम ही है, क्योंकि हमने उसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो हमने चर्चा किया था कि जी बाबू आया है इस दुनिया में और बाबू जैसे आया है तो घर में एक फंक्शन होगा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज है सोमवार और अभी जो समय हो रहे हैं वह बज रहे हैं रात के 8, और हमारा बाबू जो है दादा दादी के पास खेल करके वहां पर तबाही मचा करके आ चुका है ऊपर। तो बाबू जो है कुछ देर पहले अपना भोजन पानी किया है, उसके बाद जो है अभी माँ की गोद में है और सो रहा है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सो नहीं देते हैं, वरना उठ गया तो फिर से तबाही मचेगी। डिस्टर्ब इसको पसंद भी नहीं है सोने में, तो अपना मुँह कान अपने नोचने लगता है और कान तो इतना तेज, थोड़ा सा कुर्सी कोई खिसका दे इसका नींद खुल जाएगा। खुल गया, खुल गया इसका नींद, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसको सुलाओ और किसी तरह से। तो बाबू जो है नीचे से आ गया है ऊपर और अभी तो सो रहा है, लेकिन दादा दादी को देखो तो वहाँ किया है। वहाँ पर प्लास्टिक का बिछौना लगा नहीं। तो जी हम आ गए हैं बाहर, आज हम करने वाले हैं शॉपिंग। आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो गया और आप एक ही कपड़े पहनते रहते हो, तो बात कुछ ऐसी है कि हमारा हेल्थ तो सही में बहुत ज्यादा डाउन हो गया है और इस वजह से हमें कोई भी कपड़े जो भी हमारे पुराने कपड़े थे फिट नहीं आ रहे हैं। तो जी हम शॉपिंग करने वाले हैं धनी स्टोर से। धनी स्टोर में अभी बचत वीक चल रहा है 23 जून से 30 जून तक, जिसमें कि आपको कुछ कुछ प्रोडक्ट पर तो 70% तक का डिस्काउंट चल रहा है और कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ 9 रुपए से स्टार्ट हैं। मुझे तो लगता है इससे अच्छा मौका तो दोबारा मिल ही नहीं सकता है बचत में शॉपिंग करने का। तो जी हमने अपने पति देव को भी बुला लिया है क्योंकि इनकी पसंद मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो देरी नहीं करते हैं, करते हैं फटाफट शॉपिंग। अच्छा, हमें नहीं मालूम था कि हमारी पसंद इतनी अच्छी लगती है जी। हमें बहुत पसंद। तो जी अब ऐसा करते हैं, जल्दी से धनी ऐप को खोल लेते हैं। धनी ऐप का जो लुक है कुछ इस तरह का लगता है और साथ साथ जो है आपको भी दिखा देते हैं कि धनी ऐप से कैसे शॉपिंग करने हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। तो धनी ऐप को जब हम खोल रहे हैं जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट मिले हुए हैं जी, चाहे मेंस का कैटेगरी हो, चाहे वोमेंस का हो, चाहे किड्स का हो, चाहे होम डेकोर का हो, यहाँ पर सारे कैटेगरी के जो है आपको प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। जिया को लेकिन लेना है कुर्ती तो सीधा जाते हैं कैटेगरीज में। कैटेगरीज में जाकर के हम जाते हैं वोमेन एथनिक में, वोमेन एथनिक में जाकर के जाते हैं वोमेन कुर्ता एंड कुर्ती, क्योंकि जिया को कुर्ती लेना है। तो यहाँ पर कुर्ती देख सकते हैं जी, ढेर सारा ऑप्शन आ चुका है और हर कुर्ती पर देख रहे हैं कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, किसी पर 73% का डिस्काउंट, किसी पर 65% का डिस्काउंट, किसी पर 66% तक का डिस्काउंट। मतलब जी अभी तो फायदे ही फायदे चल रहे हैं, बचत ही बचत है आपकी। तो मुझे जो यह ब्लू रंग का जो कुर्ती है यह मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे जो हमारे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं, इनको ब्लू कलर बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब ऐसा करते हैं जी, इसको जो हम है कार्ट में ऐड कर लेते हैं। हाँ। आगे नहीं सुनते हैं क्योंकि हमारी बुराई करने वाली है, ठीक है? तो अब ऐसा करते हैं जी, उसके बाद देखते हैं आगे। आगे मुझे जो है यह वाला कुर्ती काफी अच्छा लग रहा है, तो इसको भी कार्ट में ऐड कर लेते हैं। चलिए जी, हमने तो कार्ट में ऐड कर लिया, तो इसके बाद ऐसा करते हैं जी ऑर्डर को प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो जी आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है क्योंकि बचत वीक चल रहा है, साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी डिस्काउंट मिल जाए और भी आपके फायदे हो जाए, तो आप ले सकते हैं जी धनी का मेंबरशिप, जो आपको मिल जाता है मात्र 500 रुपए पर ईयर के हिसाब से। इतने तो आपको बाहर कहीं जाते हो तो चाय कॉफी में भी खर्च हो जाता है। हाँ जी, तो मेंबरशिप लेने पर जी आपको मिल जाता है 2% तक का कैशबैक और साथ में आपको मिल जाता है जी फ्री डिलीवरी, मतलब आपके तो फायदे ही फायदे। तो जी जल्दी से मेंबरशिप लेते हैं और अपना ऑर्डर को जो है प्लेस कर देते हैं। तो जाते हैं यहाँ, क्लिक करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद अपना सारा डिटेल भर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल भर देना है, जो भी एड्रेस होता है जी डिलीवरी एड्रेस, वो सब कुछ हमने यहाँ पर भर दिया। उसके बाद फिर आते हैं पेमेंट में। पेमेंट में यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मिलता है जी, जो कि हम लोग वही चुनते हैं ज्यादातर। हाँ जी, तो आप ऐसा करते हैं कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जो है इसके बाद ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं। तो जी हमारी तो हो गई शॉपिंग। तो जी पहले तो हमारी कुर्ती आ रही है, खुश हो? बहुत ज्यादा। जी हमारी तो शॉपिंग हो गई जी, वो अभी बचत में। तो आप भी चाहती है बचत वाली शॉपिंग करना, आप भी चाहती है इस मौके का फायदा उठाना, तो जी लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में धनी ऐप का, जल्दी से जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप भी मौके का फायदा उठाइए। तो अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9:15 और सो करके तो उठना हो गया था एक बार 6 बजे ही, क्योंकि बाबू उस समय जग गया था और खेल रहा था। एक सुबह का ही टाइम है जब वह बेड पर टिका रहता है तो थोड़ा देर खेलता है, वरना दिन के समय बेड पर टिकना नहीं चाहता है। जैसे ही उठेगा कोई उसको गोद लो घुमाओ, ऐसा ही कुछ चल रहा होता है। तो अभी जिया जो है बाबू को सुला रही है, नीचे से ही सो करके आया है। दादाजी देकर के आए, लेकिन डर लगता है अभी नहीं उठेगा, ये गहरा नींद में सुला दो इसको। तो मम्मी जो है खाना बनाने की कर रही है तैयारी और अभी बनने वाला है आलू परवल का भुजिया, जो कि हमें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और साथ में कुछ और बन जाए बेहतरीन सा तो और मजा आ जाए। डैडी का कोर्ट का समय है, अरबी के पत्ता का कचरी बहुत दिन से नहीं खाए हैं, अभी बनेगा। अभी मेरी जिया खा लेगी तो बच्चा को तकलीफ हो जाएगी। जिया नहीं खाएगी, हम लोग खा लेंगे। नहीं बनेगा, एक आदमी नहीं खाएगा, हम पसंद नहीं। जिया यहाँ पर काट रही थी पपीता और पपीता में देखिए स्टार बना हुआ है। हाँ। वाह, शानदार स्टार बना हुआ है।
कोई बात नहीं, जल्दी से काटा जाए, भूख लग गई है और बाहर हो रही है बारिश, बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है। तो बाबू का जी मालिश हो गया है, मालिश होने के बाद जो है बाबू आराम से सो रहा है और हम बगल में रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा आवाज़ सुने और यहाँ से उठ जाए क्योंकि इसको नहाना है, अब इसके नहाने का समय हो चुका है। और इसको अगर आप अचानक से उठा देते हैं फिर नहाने लेकर के चले जाते, इतना ज़ोर से रोता है यह, तो वह नहीं चाहते कि ऐसे रोए, आराम से उठे और नहीं नहीं करने चल जाए बाबू, है ना। लेकिन बाबू अभी गहरी नींद में है, कोई मतलब नहीं, जब हम लोग चाहेंगे कि बाबू सो जाए ताकि हम लोग सोए उस समय बाबू बिल्कुल नहीं सोएगा, जब हम लोग चाहेंगे कि बाबू जो है जगा रहे उस टाइम बिल्कुल नहीं जगेगा, सिर्फ सोना है। और इधर बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बारिश सुबह से हो रही है। दीदी लग रहा है यहाँ पर आलू प्याज खरीद लिए, कैसे लिया? आलू दिया 25 रुपया किलो, प्याज प्याज दिया 20 रुपया किलो, सस्ता ही है, रेट ठीक है। 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू, तो अच्छा खासा दिन का इंतजाम हो गया है। हाँ, और सब पैसा मेरे पास जो डेयरी खर्च करा रहे हैं। हाँ। मेरा पैसा देने का नाम नहीं लेते। बाबू अब हो गया सोना, उठ जाओ, नहाने की बारी आ गई है, अभी टाइम भी हो गया है, 12 बजने वाला है, तो जल्दी नहीं बोलिएगा, ये नहीं उठेगा। और जब बोलेंगे कि सो जा ये उठ जाएगा। A few moments later. बाबू का हो गया जी, नहीं नहीं बाबू नहा लिया मजे में, नहा लिया ना बाबू मजे में। हाँ बाबू की नींद भी आ गई है अब, कोई बात नहीं, जल्दी से इसको जो है लोशन लगा दो, बाबू को तैयार कर दो, उसके बाद सुला दो। बाहर हो रही है जी बहुत ही तेज बारिश, देख सकते हैं जी कितनी तेज बारिश हो रही है, मजा आ गया। मन तो ऐसा कर रहा है कि इस बारिश में जाए और जा करके नहा ले, बहुत ही मन कर रहा है बारिश में नहाने का, बहुत दिनों से जो है बारिश में नहा ही नहीं है, लेकिन बस डर है वहाँ जाए और जा करके बुखार ना लग जाए, 2 हफ्ते उसी मेट्रेस पर रखे हैं। शुक्रियांश तो वहाँ पर सो रहा है जी, और अब हम क्या करते हैं जा करके नहा लेते हैं, थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो जाते हैं। तो माँ का भी नहाना हो चुका है, पूजा हो चुका है, नहा करके आते हैं तो खाना तैयार रखा जाए, तो खाना खाएंगे। तो फाइनली जी हमारा हो गया नहाना और हो गया खाना, तो पेट पूजा हो गई है, अब लग रहा है शरीर तंदुरुस्त। चलते हैं जी नीचे, और यहाँ पर थोड़ा सा फिसलन हो गया है, संभल करके चलना पड़ेगा, बारिश का पानी है यहाँ पर। One hour later. तो फाइनली बारिश हुई खत्म और माहौल कुछ ऐसा है बारिश के बाद। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, हम लोग सो के उठ चुके हैं, पतिदेव भी सो के उठ चुके हैं, और यहाँ कर रहे हैं अपना मुंशी जी वाला काम। तो हाँ जी मुंशी जी वाला काम हो रहा है, तो पहले मुंशी जी वाला काम होता था, पहले भी होता था सो के उठ के, और अभी भी हो रहा है सो कर उठ के, लेकिन बात है ये कि पहले सुबह उठ के होता था, अभी हो रहा है शाम में। हाँ। तो क्योंकि जो वाला काम पूरा एकदम अपना, तो बात क्या है कि पहले जो है थोड़ा मिल जाता था समय, आजकल समय नहीं मिल पा रहा है, और कभी कभी तो आजकल ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन हिसाब ही नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं रख पाते हैं हम, और अपना काम भी तो डिले होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यही पल है, एंजॉय करना है, कर रहे हैं एंजॉय। कल के वीडियो पे हम कमेंट देख रहे थे, बहुत सारा कमेंट आ रहा था, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है ना। बिल्कुल जी, तो पूरी पिक्चर देखते हैं कैसा है, बाकी अभी जो ट्रेलर है वही बहुत ही मजेदार है, पूरी पिक्चर कैसी होगी, लेकिन हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बहुत शैतानी करने लगता है, मतलब सोने नहीं देता रात में, दिन में भी नहीं सोने देता, तब थोड़ा सा लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो थोड़ा चिंतित भी दिख रहे थे कि आप लोग ऐसा कमेंट कर करके ससुर भैया और जिया को जो है आप लोग डरा रहे हो। लेकिन जी हम लोग डर नहीं रहे, मतलब सब कोई बोलते हैं कि अभी तो बाबू छोटा है, जैसे जैसे बड़ा होगा शैतानी भी ज्यादा करेगा, और फिर और भी ज्यादा बदमाश हो जाएगा, फिर तो और परेशान करेगा। बिल्कुल जी, हमें लग रहा था जब जिया का प्रेगनेंसी का स्टेज था, हमें लग रहा था कि इससे ज्यादा और क्या मेहनत होगा, कोई बात नहीं मैनेज होगी आराम से, लेकिन जब डिलीवरी हो गई असली खेला तो तब शुरू हुआ है, अब पता चल रहा है असली खेला कब शुरू होता है। अब कमेंट आता था उस समय भी, अभी जितना सोना है सो लो आप लोग, आपकी नींद हराम होने वाली है, अब अपने नींद से सो नहीं सकते, अपने नींद से उठ नहीं सकते, ऐसा हो गया, लेकिन बहुत अच्छा पल है, इस पल को एंजॉय करना चाहिए, तो हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। बोलो, और कुछ लोग ये भी कहते हैं ना, बाबू जब चलने लगेगा ना तब पता चलेगा, एक पैर ऊपर रहेगा एक पैर नीचे रहेगा। बोले अच्छा, इंसान को देख सकते हैं, इनको जब टेंशन होता है तो क्या करते हैं,
आप टेंशन तो बिस्किट खाना पड़ता है, जो भी आसपास रहता है डालना पड़ता है, इससे टेंशन में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अच्छा अच्छा, और टेंशन बहुत बड़ी बात को लेकर के है, बता सकते हैं सिर्फ नाटक करते हैं। और जब इनको खाना होता है बिस्किट, क्योंकि अभी मना है इनको तो ले, इनको बहुत टेंशन हो गया है, अब एक गुड्डे खाना पड़ेगा। इस बदमाश को देख रहे हैं, अभी तक सोया हुआ है। अच्छा सुनो, वो जो शैतान है वो शायद नहाने के समय सोया हुआ था ना, जब भी नहा करके आया है, तो नहाया था लगभग कितना बजे, 12 बजे नहाया होगा, 11-12 बजे। हाँ 12 बजे नहाया, और अभी बज रहा है कितना, 3:30। साढ़े तीन घंटा से सोया हुआ है, जब उसको उठाओ, और खिलाना पिलाना भी है ना उसको। हाँ, लेकिन उठाते हैं तो रोने लगता है, तो ऐसा करो उसकी नींद से उठता है और सोता है, लेकिन भूखा रहेगा इतना देर वो भी दिक्कत है। भूखा नहीं रखना है, पहले ऐसा करो जो फल काटना था तुमको, फल वो काट लो, क्योंकि अगर जग गया तब तो काट भी नहीं पाएगी। हाँ। और कुछ नाश्ता पानी कर लो, वो अभी नहीं जगेगा पता है, 4 बजे बाद ही जगेगा, और जग के फिर चल जाएगा अपना दादा दादी के पास। हाँ, उसको खिला पिला देंगे फिर चल जाएगा। तो जिया का हो गया है अनार छिला हुआ, साथ में पपीता था, लेकिन पपीता का क्वांटिटी कम है, तो पपीता तो अभी नहीं मिल पाएगा। सुबह तो खाए थे ना पपीता, हमको जितना बार खिलाओ उतना बार कम है पपीता, बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत पसंद है ही, लेकिन ज्यादा रहता तो दे देते, लेकिन कल के लिए है थोड़ा सा। तो कल आम भी लाना होगा, आम भी खत्म हो चुका है, आम तो नहीं लाना होगा। अच्छा समझ गए, कोई बात नहीं जी, आप लोग भी समझ जाइएगा एक दो दिन बाद। तो जी हमारा हो गया नाश्ता पानी, और आप में से कुछ लोगों का सवाल देख रहे थे, तो सोचा कि उस सवाल का जो है जवाब दे ही देते हैं। एक सवाल लगातार आए जा रहा है, और यह जो सवाल उठ रहे हैं इसका कारण भी हम ही है, क्योंकि हमने उसके बारे में चर्चा कर ली थी। तो हमने चर्चा किया था कि जी बाबू आया है इस दुनिया में, और बाबू जैसे आया है तो घर में एक फंक्शन होगा, तो वह फंक्शन जो है अभी तक हुआ नहीं है। तो यह सवाल जो है इसलिए लगातार जो है बिल्कुल और थोड़ा बढ़ गया है यह सवाल, और थोड़ा सा रफ्तार भी बढ़ गया है कि यह फंक्शन कब होगा। तो यह फंक्शन जी होने वाला है, और हम लोग भी सोच रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, और जल्दी हो भी जाता, लेकिन हम लोग जो है बीच में बीमार पड़ गए थे। घर के जो भी सदस्य थे उसमें से एक सदस्य ये हैं जो अभी कैमरा को पकड़े हुए हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, और 2 हफ्ते के लिए अच्छे खासे बेड पर पड़ गए थे। और जी जब हम रिकवर कर गए तो उसके बाद लेकिन वीकनेस रह गया था शरीर में, और लग रहा था कि अभी वीकनेस है शरीर में तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे इस फंक्शन को। और जी बात रही जिया की, तो जिया की भी तबीयत उतनी सही थी नहीं, और अब जो है जिया भी अब थोड़ा सा लग रहा है कि रिकवर कर रही है, ऑपरेशन का जो घाव लग रहा है अब धीरे धीरे भरता जा रहा है, और अब जिया भी जो है लगता है रेगुलर रूटीन में धीरे धीरे लौट करके आ रही है। तो हम लोग जो है पंडित जी को बोले हुए हैं कि पंडित जी अब जो है जल्दी से कोई दिन दिखा दीजिए, हम लोग चाह रहे हैं किसी महीने में हम लोग कर ले, यह जो आने वाला है जुलाई का महीना, और जुलाई का महीना में चाहते हैं कि सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक जो है फंक्शन हो जाए। तो बाकी देखते हैं पंडित जी कौन सा डेट देते हैं, जैसा भी होगा, हाँ तो जैसा भी होगा वो आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपका जो सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंटों का एक एक करके हम रिप्लाई कर रहे थे, लेकिन लग रहा था कि ऐसे नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली इसके ऊपर एक वीडियो लाना पड़ेगा और सभी को जवाब मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं जी, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।